हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइम्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर द फन दे हैड फ्रॉम बुक बिहाइव ऑफ क्लास 9th. सो बिफोर स्टार्ट, हम लोग को पहले इस जो भी स्टोरी हम लोग ने पढ़ा था 4 पैरा तक, उसे एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं. हम लोगों ने पढ़ा था कि मागी, जो इस स्टोरी की प्रोटोगोनिस्ट है, वो बहुत ज़्यादा स्कूल को हेट करती है. और वो इसलिए हेट करती है बिकॉज़ उसके जो मैकेनिकल टीचर थे वो उससे टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रही थी. और उस मैकेनिकल टीचर को सही करने के लिए एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है, जो उसकी मम्मी बुलाती है, और वो उसे ठीक करते हैं 1 घंटे के अंदर ही. और अब वो बताई उस टीचर के बारे में कि वो इतने भी बुरे नहीं हैं, बट सबसे बुरा उसे ये लगता है कि जो स्लॉट जहाँ पे वो होमवर्क देना पड़ता है उसे और उससे टेस्ट लिए जाते हैं और उसे वो चीज़ उसका आंसर पंच कोड में देना पड़ता है, जो उसे जब वो 6 ईयर्स की थी तभी से सिखाया जा चुका है. और उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते उसके मार्क्स कैलकुलेट करने में. चलिए तो अब कंटिन्यू करते हैं पैरा 5. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मागीज हेड. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स. इंस्पेक्टर जब वो ठीक करते हैं फिर आते हैं और वो स्माइल करते हैं उनके वर्क फिनिश के बाद और मागी का हेड बहुत ही प्यार से सहलाते हैं. वो उसकी माँ से कहते हैं कि ये इस छोटी लड़की की गलती नहीं है. मिसेस जॉन्स वो मागी की माँ को एड्रेस करते हैं. आई थिंक जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. वो उसे बताते हैं कि ये जियोग्राफी सेक्टर में इतनी बुरी इसलिए हो रही थी बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि जियोग्राफी सेक्टर को थोड़ा ज़्यादा तेज़ी, मतलब मीन्स गियर्ड, थोड़ा बहुत उसे बढ़ा दिया गया था, एडजस्ट कर दिया गया था एक लेवल पे, मतलब थोड़े हाई लेवल पे उसे एडजस्ट कर दिया गया था बहुत जल्दी. मीन्स वो अभी इसके लिए एलिजिबल नहीं हुई थी और उसका जियोग्राफी का सेक्टर काफ़ी ज़्यादा एक लेवल पे, काफ़ी ऊपर लेवल पे एडजस्ट कर दिया गया था, इस वजह से ये इतनी बुरा परफॉर्म कर रही थी. और ये सब चीज़ होते रहता है, मीन्स दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ये सब कभी कभी होता है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. और वो बताते हैं कि अब उन्होंने उसके लेवल को थोड़ा स्लो कर दिया है और एक एवरेज 10 ईयर के स्टूडेंट के लेवल का कर दिया है. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Maggie's head again. और वो ये भी बताते हैं उसकी माँ को कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो इतना बुरा नहीं है जैसा कि आपको रिजल्ट के लिए लग रहा था. ये इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो प्रोग्रेस है, वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, मीन्स संतुष्टजनक है. मतलब आपको इससे कॉन्टेंट होगा कि हाँ ये सही कर रही है, इसका प्रोग्रेस सही है. एंड ही पैटेड मागीज हेड अगेन. और वो फिर से उसका सर को सहलाते. मागी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. मागी इस बात के लिए बहुत ज़्यादा निराश थी कि उसके टीचर 1 आर में ही बिल्कुल सही हो गए. वो ऐसा होप कर रही थी कि उसके जो टीचर होंगे उसे वे अपने साथ ले जाएंगे, उसके काउंटी इंस्पेक्टर उसके साथ उसके टीचर को ले जाएंगे. They had once taken Tommy's teacher away from nearly a month because the history sector had blanked out completely. और ऐसा उसे इसलिए लगा था क्योंकि उसके जो टॉमी के जो टीचर थे मैकेनिकल टीचर, वो उसमें भी एक बार फॉल्ट आ गया था और हिस्ट्री सेक्टर को पूरी तरीके से वो ब्लैंक हो गया था, हिस्ट्री सेक्टर टॉमी के मैकेनिकल टीचर में. तो उसे वो अपने साथ ले गए थे और लगभग 1 महीने तक अपने साथ ही रखे थे.
तो इसलिए वो थोड़ी सी ऐसा उसे होप था कि शायद ये टीचर को भी उन्हें ले जाना पड़े, और जब ऐसा हुआ नहीं तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। और ये सारे फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से वो स्कूल को बहुत हेट करती है, और उसे बहुत ज़्यादा ये अमेज्ड फील हो रहा है कि वो कैसे कोई स्कूल के बारे में लिख सकता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ अ वेरी सुपीरियर आईज, और टॉमी उसकी तरफ बहुत ही सुपीरियर आईज से देखता है। यहाँ सुपीरियर आईज कहने का मतलब राइटर का है बिकॉज वो अपने आप को सुपीरियर समझता है। वो मागी को बहुत छोटे की तरह ट्रीट करता है, वो जानते हैं कि मागी बहुत इनोसेंट है, उसे उतना नॉलेज नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है उससे। मीन्स टॉमी खुद को उससे सुपीरियर मानता है, इसी वजह से वो सुपीरियर थिंक करते हैं, उसकी तरफ देखता है और बताता है बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। और वो बोलता है नहीं, ऐसा स्कूल के बारे में इसलिए इसमें लिखा गया है क्योंकि ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है। स्टूपिड दैट मीन्स वो अपने आप को सुपीरियर समझता है, इसी वजह से वो उसे स्टूपिड एड्रेस करता है मागी को, और बताते कि ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है। दिस इज़ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये एक पुराने तरह का स्कूल के बारे में है। दैट हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। वो बताता है कि ये जो स्कूल के बारे में जो इस बुक में लिखा गया है वो हम लोग की तरह का स्कूल नहीं है, ये स्कूल बहुत ही पुराने टाइप का स्कूल है जो कि सालों सौ सालों से भी पहले का है, मीन्स हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। और फिर वो अपने इस वर्ड को बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएट करता है तुरंत में, एक सुपीरियर वे में, सेंचुरीज अगो मीन्स हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो के जगह पे वो सेंचुरीज अगो को वापस से प्रोनाउंस करता है। मागी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर। मागी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, और वो बोलती है क्योंकि वो दुखी होती है स्कूल के बारे में सोच के, तो वो बोलती है कि ठीक है मैं तो ऐसी किसी स्कूल के बारे में नहीं जानती जो इतने सालों पहले था। और वो क्या करती है उसके सोल्जर पे मीन्स उसका भाई जो मतलब उसका जो टॉमी जो पढ़ता रहता है, तो वो हल्का सा उसके सोल्जर्स की तरफ से झाँकती है। यहाँ पे ओवर ही सोल्जर का मतलब होता है कि उस साइड से थोड़ा झाँकने की कोशिश करना, पढ़ने की कोशिश करना। देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर, और फिर बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, क्या वहाँ पे टीचर थे, दे हैड अ टीचर मीन्स क्या टीचर होते थे उस टाइम में हमारे जैसे टीचर, उसे लग रहा था कि मैकेनिकल टीचर होंगे। टॉमी बोलता है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। और वो बताता है कि हाँ टीचर तो थे बट हमारे रेगुलर टीचर की तरह नहीं, बल्कि एक मैन, एक इंसान थे जो पढ़ाते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। और मागी बोलती है कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता था। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। और वो बताता है कि हाँ टीचर हो सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ स्टूडेंट बॉयज़ और गर्ल्स को पढ़ाते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। अब मागी बोलती है अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक मैन इतना भी स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी बोलता है नहीं ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरे पापा भी इतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बट, इधर वो बोलता है कि मैं इस पर चैलेंज लगा सकता हूँ कि वो इतना ही जानते थे जितने, मतलब वो मेरे पापा भी इतना तो जानते ही होते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। मागी वॉजन प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, सी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। और वो बिल्कुल भी इस बात को काटने मतलब डिस्प्यूट करने के लिए प्रिपेयर नहीं थी, वो बिल्कुल भी इस बात को नहीं काट सकती थी बिकॉज मे बी उसके पास फैक्ट्स नहीं होंगे जो वो उसने बोला कि मेरे पापा भी इतना जानते ही होंगे जितना मेरे टीचर जानते हैं। तो इस वजह से वो इस टॉपिक को चेंज करती है वहाँ से, और वो बोलती है कि ठीक है बट मैं एक स्ट्रेंज आदमी जो जिसे मैं जानती नहीं हूँ, अनजान हूँ बिल्कुल मेरे से, उसे मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी या मैं नहीं चाहूँगी कि वो मुझे मेरे घर में आके पढ़ाए। द टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मागी।
और वो हंसते हुए, मतलब उसके इस बात पे कि वो जो जिसने जैसे उसने कहा कि मैं नहीं चाहूँगी कि कोई मेरे घर पे आके मुझे पढ़ाए, इस बात पे वो बहुत ज़ोर से आवाज़ करते हुए हंसता है और बोलता है तुम्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं है मागी। द टीचर डिडंट लीव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेस बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। वो बोलता है कि वो जो टीचर्स थे ना वो हमारे घर नहीं आते थे, बल्कि एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था जहाँ पे सारे बच्चे जाते थे, ना कि टीचर आते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और बोलती है तो क्या सारे जो बच्चे थे वो एक ही चीज़ पढ़ते थे? श्योर इफ दे वर द सेम एज। और बोलता था हाँ बिल्कुल, अगर वो सेम एज के हैं तो सेम ही चीज़ पढ़ेंगे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड डैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब उसकी बात को आर्गूमेंट को वो बढ़ाते हुए बोलती है मागी, लेकिन मेरी माँ ने तो ये कहा है कि हर एक बच्चे का माइंड डिफरेंट वे में सोचता है, डिफरेंट वे में किसी भी चीज़ को लेता है, तो जो टीचर्स होंगे उन्हें तो एडजस्ट करना पड़ता है अपने स्टूडेंट के माइंड के अकॉर्डिंग। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज है तो उसे कम समझाने कम एग्जाम्पल देने में भी वो समझ जाता है, तो टीचर को आसानी होता है। और अगर कोई स्टूडेंट है जो थोड़ा सा स्लो समझता है तो टीचर को स्लोली पढ़ाना पड़ता है। तो इस तरीके से टीचर्स को एडजस्ट करना पड़ता है स्टूडेंट के माइंड के अकॉर्डिंग। तो कैसे एक ही टीचर सारे इतने सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं? उन्हें तो हर एक स्टूडेंट के माइंड के अकॉर्डिंग फिट करके पढ़ाने में बहुत मुश्किल होती होगी। तो अब टॉमी बोलता है जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे, देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स। वो बोलता है कि हाँ ठीक वैसे ही जैसे वे नहीं करते थे, जैसे कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम उनसे मत पढ़ो। एग्जाम्पल जैसे तुम कोई बुक पढ़ते हो और तुम्हें वो नहीं समझ आ रहा है तो तुम कोई और बुक पढ़ो जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है। तो सेम वही वे में जैसे मान लो कोई टीचर होंगे जो बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छे लगते होंगे बिकॉज उनका माइंड उनके टीचिंग के हिसाब से सही है तो वो उनसे पढ़ते हैं, अगर किसी को नहीं है तो वो किसी और टीचर को पढ़ते हैं। बुक्स के तरह बुक में भी जैसे ऑप्शंस होते हैं वैसे टीचर्स में भी हम चूज़ कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मागी सेड क्विकली। लेकिन मागी इस बात को कट करते बोलती है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था कि मुझे बुक्स पसंद नहीं है। मागी सेड क्विकली, मागी बहुत तेज़ी से इस बात को बोलती है। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। और अब वो ये सारे जो स्कूल्स है वो काफ़ी उसे फ़नी लग रहे हैं बिकॉज उसने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था और ना ऐसा जानती थी। वो सिर्फ 11 ईयर्स की है और उसे इतना आइडिया नहीं था कि 100 सालों पहले कैसे स्कूल्स होते थे, कैसे एजुकेशन सिस्टम थे। तो ये सब उससे जानकर बहुत ज़्यादा फ़नी फील हो रहा है और वो इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। दे वर्न्ट इवन हाफ फिनिश व्हेन मागीज मदर कॉल मागी स्कूल। और उन्होंने अभी तक हाफ फिनिश भी नहीं किया था उस बुक को पढ़े कि मागी की माँ उसे बुलाती है कि मागी स्कूल, मतलब स्कूल का टाइम हो चुका। मागी लुक्ड अप नॉट येट मम्मा। और वो बोलते हैं वो उसकी तरफ मतलब मम्मा की तरफ ऊपर देखते हुए बोलते नहीं मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। बोलती नहीं अभी नाओ मिसेज जॉन, ऐसा बोलती है नाओ मिस हाँ अभी हो चुका टाइम अब, एंड ये सही टाइम है, ये भी टाइम जो है अभी टॉमी के लिए भी पढ़ाई का टाइम हो चुका है। मागी से टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। अब मागी टॉमी को बोलती कि क्या मैं तुम्हारे साथ बुक को आगे पढ़ सकती हूँ स्कूल, मतलब हमारा जो स्कूल का टाइमिंग ख़त्म हो जाए जब हम लोग स्कूल कंप्लीट कर चुके होंगे तो क्या हम लोग इस बुक को कंटिन्यू कर सकते हैं आगे? मे बी ही सेड नॉन गैलेंटली, ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। वो बोलता ठीक है शायद मे बी, वो बिल्कुल भी इस चीज़ में इंथुजियाज्म को शो नहीं कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज शायद मागी अब एक्साइटेड हो रही है, इस वजह से वो दिखाता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो इस तरीके से शो करता है कि हाँ ठीक है मे भी शायद पढ़ सकते हैं और वो चला जाता है सीटी बजाते हुए। उस डस्टी ओल्ड बुक, वो काफ़ी पुराना तो उस पर काफ़ी डस्ट हो चुके हैं और उसको अपने आर्म के नीचे दबाते हुए और वो बुक को लेके चला जाता है। मागी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और वो अपने स्कूल रूम में जाती है मागी गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये उसके बेडरूम के जस्ट आगे राइट में है, मीन्स
उसका स्कूल तो उसके घर पे ही है और वो उसके बेडरूम के ठीक आगे वाले रूम में जो राइट की तरफ है उसमें है, और मैकेनिकल टीचर वहाँ पे पहले से हैं और उसका वेट कर रहे हैं। इट वॉज़ ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और ये उसका जो टाइम है स्कूल का वो काफ़ी एकदम फिक्स्ड है और वही टाइम पे वो पढ़ती है सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ के, बिकॉज वो उसका हॉलीडे है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर टाइम। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मतलब उसका जो टाइम है वो बिल्कुल फिक्स है सैटरडे संडे को छोड़ के। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी माँ ने उससे कहा है कि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं ना वो अच्छे से सीखती हैं जब वो एक रेगुलर आवर्स पे पढ़ती हैं। मीन्स अगर आप एक दिन पूरे बुक को पढ़ लोगे और एक दिन कुछ भी नहीं पढ़ोगे, एक दिन दो दिन पढ़ लोगे, एक दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, तो इससे आपका रिदम ख़राब होगा। तो इससे आप अगर कुछ सीख भी सकते हो तो वो आप भूल जाओगे। तो इसलिए एक रेगुलर आवर होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं कि किसी दिन 5 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन 1 घंटे भी नहीं पढ़े, ऐसा नहीं। अगर आप 2 ही घंटे पढ़ते हो तो 2 ही घंटे पढ़ो, बट रेगुलरली पढ़ो, पूरे मतलब सारे दिन पढ़ो। या फिर मान लो अगर संडे को छुट्टी है तो ठीक है, संडे को छुट्टी, बाकी सारे दिन पढ़ो। तो एक रेगुलर आवर्स था, जैसे हमारे स्कूल के भी टाइमिंग है तो वैसे ही उनके भी स्कूल्स के टाइमिंग थे और वो रेगुलर थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि जो छोटी बच्चियाँ थी वो अगर ऐसे पढ़ती हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सीखती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और स्क्रीन जैसे ही वो आती है और तो उसका स्क्रीन लिट अप हो जाता है। लिट अप मीन्स ऑन होता है, तो जैसे स्क्रीन जैसे सेलफोन होता है तो उसे लॉक्ड रहता है तो वो ब्लैक दिखता है, ब्लैक रहता है, और जैसे ही हम लोग उसे ऑन करते तो वो लिट अप हो जाता है। तो ठीक वैसे ही रोबोट का स्क्रीन है तो वो लिट अप हुआ और उसमें से आवाज़ आती है और वो कहता है कि आज का जो हमारा लेसन है वो अरिथमेटिक पे है और उसमें हम लोग सीखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन। बिकॉज वो सिर्फ 11 ईयर्स की है तो उसके हिसाब से वो प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन सीख रही है। लेकिन उससे पहले वो बोलता है कि कल का होमवर्क को आप इंसर्ट करिए एक प्रॉपर स्लॉट में, एक स्लॉट जो उसमें जिसमें वो होमवर्क देती थी उसमें आप पुट करिए होमवर्क को। मागी डिड सो विथ अ साई, वो गहरी सांस लेते हुए ऐसा करी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। और वो सोच रही है कि ओल्ड स्कूल कैसे हुआ करते थे, वो तब थे जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर भी बच्चे थे हुआ करते थे, उस टाइम ऐसे स्कूल्स होते थे, तो वो स्कूल्स कैसे होंगे। ऑल द किड्स फ्रॉम होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। और उस स्कूल में, उस स्कूल के बीच मैदान में सारे बच्चे आते थे एक साथ, हंसते होंगे, हंसते थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे, आवाज़ करते थे, और कितना मज़ा आता होगा। ऑल द किड्स फ्रॉम होल नेबरहुड के, मतलब सारे नेबर आस पास के बच्चे भी तो एक पर्टिकुलर स्कूल जो उनके आसपास होगा वहीं पे जाते होंगे, तो कितना मज़ा आता होगा। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम एंड गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और साथ में बैठते होंगे स्कूल रूम में और साथ में जाते होंगे घर जब हमारे स्कूल ख़त्म हो जाता होगा, तो ये सब कितना ज़्यादा अच्छा होता होगा। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वो सब एक ही क्लास रूम में होते होंगे सेम एज के अगर होंगे तो, और वो कितना कुछ साथ में सीखते होंगे, सेम चीज़ सीखते होंगे, और वो एक दूसरे के होमवर्क बनाने में भी काफ़ी हेल्प कर सकते होंगे या उसके बारे में सोच सकते होंगे, बात कर सकते होंगे, डिस्कस कर सकते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और लोग और टीचर भी तो मैकेनिकल नहीं होते होंगे, वो भी तो इंसान होते होंगे, तो कितना ज़्यादा अच्छा होता होगा। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस वन एंड 1/2 एंड 1/4। लेकिन वो ये सब चीज़ सोच रही होती है, ये चीज़ उसका रोबोटिक टीचर ध्यान देते हैं और वो फ्लैश करते स्क्रीन पे कि जब हम लोग ऐड करते 1/2 एंड 1/4। मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट दे हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और वो ये सोचती हुई रहती है। मीन्स उसका ध्यान उस पढ़ाई पे नहीं है, वो ये सोच रही है, अभी भी ये सोच रही थी कि वो किड्स कितना ज़्यादा उस चीज़ को मतलब प्यार करते होंगे, कितने ज़्यादा खुश होते होंगे वो, कितना ज़्यादा उस चीज़ को इंजॉय करते होंगे ओल्ड डेज में, हमारे स्कूलिंग्स को कितना इंजॉय करते होंगे। एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो ये चीज़ सोचती रहती है कि वो कितना ज़्यादा फ़न करते होंगे, इंजॉयमेंट करते होंगे अपने टाइम में। और इसीलिए इस स्टोरी का जो हेडलाइन है वो है द फन दे हैड डन, मीन्स इतनी ऐसी इंजॉयमेंट
जो उन्होंने किया है, कौन किसने किया है, वो ओल्ड स्कूल के जो स्टूडेंट्स होंगे वो किए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।